नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके नाम को लेकर अक्सर राजनीति होती आई है, एक बार फिर झारखंड में उनकी प्रतिमा का सियासी इस्तेमाल शायद किया जा रहा है। धनबाद में उनकी प्रतिमा पर विभिन्न राजनीतिक दलों के झंडे लगे मिले। ये काम किसी असामाजिक तत्व का है या सियासी दल के सदस्य का, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन देश के महापुरुषों की प्रतिमाओं के साथ की गई ये अभद्रता शैतानी है या साजिश, ये सवाल जरूर उठ रहा है। बड़ी खबर में इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। धनबाद में असामाजिक तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। असामाजिक तत्वों ने बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को निशाना बनाया है। देखिए ये रिपोर्ट। धनबाद के डीआरएम चौक स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ की है। संविधान निर्माता बाबा साहेब के चेहरे को कपड़े से ढक दिया गया और उनके हाथों में जेएमएम, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के झंडे थमा दिए गए। एक थैला भी बाबा साहब के हाथ पर टांग दिया गया। बाबा साहब के हाथ में थैला दे दिया है, माला कपड़े का कटा फटा का दे दिया है और फिर एक कोई कपड़ा जो है वो साया या पेटीकोट का है वो माथा पर ढक दिया है और ये कई झंडा लगा दिया है एक साजिश के तहत कि हम नहीं किए हैं, वो किया है, वो नहीं किया, वो किया, इस तरह का ये साजिश के तहत ये किया गया है। लोगों ने जब शरारती तत्वों की ये करतूत देखी तो तुरंत पुलिस और सामाजिक संगठनों से संपर्क किया। बाद में प्रतिमा से ये सब चीजें हटाई गई। अंबेडकर विचार मंच के संयोजक कामता प्रसाद ने चेतावनी दी है कि इस तरह की चीजें भविष्य में हुई तो वे आंदोलन पर उतर आएंगे। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा ने इस मामले को गंभीर बताते हुए इसे जाँच का विषय बताया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की वकालत की। तत्वों के द्वारा इस तरह का घटना को अंजाम दिया है तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि राज्य ये एक जांच का विषय हो गया है। जांच का विषय होने से राज्य सरकार से बातचीत करके जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसके ऐसे लोगों पर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मामले को लेकर अब सियासी बयान आने शुरू हो गए, लेकिन इस घटना के बाद सवाल यही उठता है, क्या झारखंड की सामाजिक एकता में खलल डालने की ये एक और साजिश है? बहरहाल पुलिस जांच के बाद मामला साफ हो पाएगा। धनबाद से राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उधर रांची पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बीजेपी के दलित कार्यकर्ता के घर खाना खाने पहुंचे। न्यूज इंडिया ने जब धनबाद की इस घटना पर सवाल पूछा तो वो जवाब देने से बचते नजर आए। ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहा है कि गडकरी का दलित के घर भोजन करना क्या महज एक राजनीतिक स्टंट है? आप बड़े नेता हैं सर, आपको बोलना चाहिए इस पर। हमारे संवाददाता सुजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुजीत, झारखंड में ये कोई पहला मौका नहीं है जब महापुरुषों की प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ किया गया हो। न केवल महापुरुषों बल्कि कई बार तो शहीदों की प्रतिमाओं के साथ भी छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आता रहा है। जी दीपक, देखिए बिल्कुल, धनबाद का जिस तरह से जो मामला आया है, खासकर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को जिस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है, तो निश्चित तौर पर ये संवेदन शील मामला है और इस तरह की घटनाएं झारखंड में पहले भी देखने को मिलती रही है। लेकिन सरकार श्री तिस्सी इसको लेकर जांच की बात करती है और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात करती है, लेकिन हकीकत यह है कि ये जांच कभी हो भी नहीं पाता है। जो दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई भी नहीं हो पाती है। तो सरकार लगातार ये दावे करती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है तो सरकार के जो दावे है उसकी पोल जरूर खुल रही है। और इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आए हुए थे और न्यूज इंडिया ने जब सवाल भी उनसे किया, दलित के घर वो खाना, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है दलित समाज से आते हैं उनके घर वो दोपहर का भोजन करने के लिए गए थे और न्यूज इंडिया ने जब इनसे ये जानना चाहा इस मामले को लेकर रिएक्शन, तो
तो वो बिना जवाब दिए ही चले गए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक तरह से अपने आप को दिखाती है कि वो दलित समाज की हितैषी है, लेकिन जब जरूरत पड़ता है उनको सामने खड़े होने का तो कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी करते नजर आती है। तो जाहिर सौ सी बात है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति है, राजनीति शायद अब जो देश में देखने को मिल रहा है इसी तरह से मिल रहा है। लेकिन बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लक्ष्मण गिलुवा जी, उन्होंने इस मामले को गंभीर बताया है और उन्होंने भी फिर से रटा रटाया बयान जो होता है कि एक जांच की टीम बनाई जाएगी और जांच की जाएगी, जो दोषी होगा उस पर लेकिन कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दीपक देखिए, सबसे बड़ा अहम सवाल है कि इस तरह की घटनाओं को लेकर, और खासकर धनबाद में जहां पर घटना घटी है वहां से महज 500 कदम की दूरी पर एसपी का ऑफिस है वहां पर, और पुलिसकर्मी की अगर मौजूदगी में वहां के आला अधिकारी अगर वहां पर बैठते हैं और इस तरह की घटना घटती है और उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है, दोषियों को चिन्हित नहीं किया जाता है और वहां प्रतिमा की अगर तोड़ने की बात किया जाए तो इसके पहले भी उसी जगह पर ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का ये फेलियर इसे जरूर कहा जा सकता है। और कहीं ना कहीं जो नियंत्रण होता है, यानी कि सरकार जो नियंत्रण रखती है प्रशासन को, वो कहीं ना कहीं खोती जा रही है। और इस घटना के पीछे की देखिए जो वजह जो है, कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से झारखंड में खासकर अफवाह के नाम पे जिस तरह से यहाँ पर एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करके कहीं ना कहीं एक समाज के तबके को नाराज करना है और आपस में उनके बीच में एक जो मतभेद की स्थिति है वो पैदा करना, ये हो सकता है। जी दीपक जी, सुजीत बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ फिलहाल कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, ये कोई पहला मामला नहीं है जब महापुरुषों की प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ किया गया है। धनबाद में भी इस बार वैसा ही देखने को मिला है। बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ शरारती तत्वों ने कुछ ऐसी कारस्तानी की है जो लोगों को उद्वेलित करेगी। ऐसे में वहां तमाम सियासी दलों के बैनर और पोस्टर झंडे मिले हैं, ये क्या इशारा करता है? दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 के बाद से आज तक 2017 जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में बनी है, इस तरह की घटनाएं, दलितों को उद्वेलित करने की घटनाएं, अल्पसंख्यक समुदाय को उद्वेलित करने की घटनाएं, ये बराबर एक षड्यंत्र के तहत इस देश में और राज्य में किया जा रहा जी। अगर आप आंकड़ों पर ध्यान दें दीपक जी, तो अप्रैल 2016 से अप्रैल 2017 तक झारखंड राज्य में 1757 छिटपुट घटनाएं या अफवाह के रूप में अभी तक इस राज्य में हो चुकी है। तो इससे यह बात साफ है कि सरकार का तो मशीनरी पूरी तरह यह फ्लॉप हो चुका है, प्रशासन पूरी तरह अपराधियों के सामने नतमस्तक हो गई है। प्रशासन को कोई समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे अपराध रोके। प्रशासन से ज्यादा ताकतवर इस रघुवर सरकार में इस राज्य के अपराधी हो गए हैं, इस राज्य के छुटभैये लेकिन कुछ लोग हो गए। राकेश जी, हम बात तो यहाँ गोली चलाने, चाकू मारने, चोरी और डकैती की नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं लोगों की संवेदनाओं को कुरेदने की कोशिश हो रही है, लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है। दीपक जी, जो मैंने आंकड़े दिए हैं आपको वो छुरी और चाकू के आंकड़े नहीं है, वो आंकड़े पता कर लो, वो आंकड़े इस राज्य में भावना को ठेस पहुंचाने के आंकड़े हैं, वो किसी न किसी समुदाय को उज्जवलित करने के आंकड़े हैं। तो उस जगह पर सियासी दलों के झंडे क्या कर रहे थे? क्या लोग चाहेंगे कि हम बताएं कि मैंने इस तरह की कारस्तानी की है, फला सियासी दल इसके लिए जिम्मेदार है? दीपक जी, इसे सियासी कहेंगे या सामाजिक कहेंगे? राकेश जी, कांग्रेस के विषय में तो ये सारे लोग जानते हैं कि हमने इस देश के अग्रजों को हमेशा प्रणाम किया है। कांग्रेस ने हमेशा इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, इस देश के महान विभूतियों को कांग्रेस ने हमेशा अपने सीने से लगा के रखा है। और ये मामला कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंगित करता है कि यह सत्ताधारी दल के कुछ लोगों का यह प्रयास होगा ये काम करने का, अम्बेडकर जी की मूर्तियों के साथ और विपक्ष के लोगों का वहां झंडा लगाना, यह सब प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं इसमें सत्ताधारी लोगों की कुछ ना कुछ बूत है। चलिए सुजीत से जान लेते हैं। सुजीत, क्या कोई कार्रवाई होने की पहल हुई है कुछ इस दिशा में?
क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब बाबा साहब की प्रतिमा के साथ धनबाद में छेड़खानी हुई है। इससे पहले भी प्रतिमा को खंडित किया गया है और केवल बाबा साहब की नहीं बल्कि गांधी की प्रतिमा के साथ भी खिलवाड़ किया जाता रहा है। जी दीपक, देखिए बिल्कुल यहाँ पे देखा जाए, जैसे आपने कहा कि भीमराव अम्बेडकर के अलावा गांधी जी की प्रतिमा हो और उसके अलावा खुद जो यहाँ पर जेएमएम पार्टी के जो सुप्रीमो है शिवो सोरेन जी, उनकी भी जो बेटे की प्रतिमा लगी हुई थी दुर्गाराम चौक पर, वहां पर भी असामाजिक तत्व ने उस प्रतिमा को क्षतिग्रस्त का काम किया था। इस तरह के कई उदाहरण है खासकर राजधानी रांची से लेकर पूरे झारखंड में, और उसके बावजूद भी देखिए इस तरह की जब घटनाएं घटती है तो सरकार के पास सिर्फ एक ही सवाल का जवाब होता है कि जो इसमें जांच कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन क्या कार्रवाई हो रही है, कौन इस तरह की बदमाशी कर रहा है, सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, जातियों को उद्वेलित करने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़े हुए हैं, बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष नीरज पासवान जी जुड़े हुए हैं, साथ ही बहुजन सम्यक संगठन झारखंड के प्रभारी सुबल दास जी भी जुड़े हुए हैं, आप दोनों का भी स्वागत है। नीरज जी, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे, ये पहली बार नहीं हुई है इस तरह की घटनाएं जब प्रतिमाओं के साथ छेड़खानी की गई होगी, समाज की भावनाओं को कुरेद कर उद्वेलित करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से निपटेंगे इसे और क्या लगता है जो सियासी झंडे वहां मिले हैं वो क्या इशारा करते हैं? नीरज जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी ऐसे महान विभूति हैं जिनकी प्रतिमा के साथ में छेड़छाड़ करने वाले विकृत मानसिकता के लोग हैं और उनको ये कहे कि वो राष्ट्रद्रोही है तो ये गलत नहीं होगा कि जिस व्यक्ति ने समाज को दीन और राज जग करके इतने कम समय में एक ऐसा संविधान दिया जो सिर्फ दलित वर्ग से आते हुए में भी जो है दलित समाज के लिए नहीं, ये पूरे एक एक वर्ग की चिंता की, उस व्यक्ति के प्रतिमा के साथ में छेड़छाड़ करना ये विकृत मानसिकता का देन है। ये कोई किसी जो है किसी दल का व्यक्ति नहीं हो सकता है, उसको सजा दिलाने के लिए जो है प्रयास कर प्रशासन को जो है पहल करना चाहिए। और धनबाद में जो इस तरीके की घटना जो है ना जी, ये चार बार हो चुकी है, कोई एक बार नहीं, बिल्कुल ये चार बार हो चुकी है और उसमें कभी बाबा साहब अम्बेडकर का उंगली को जो है तोड़ा गया तो कभी जो है उनका चश्मा तोड़ा गया और ये भी डीसी ऑफिस के नजदीक में, तो वहां पे क्यों नहीं टीवी कैमरा लगा दिया जाता है जिससे कि जो है वहां पे जो है उस व्यक्ति। बहरहाल ये तो सरकार को सोचना होगा। नीरज जी, एक प्रतिमा के लिए आप सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे या उन चौक चौराहों पर जहां खुलेआम लोगों को लूट लिया जाता है वहां सीसीटीवी कैमरा ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमें अपने देश के निर्माताओं को भी नहीं भूलना चाहिए। सुबल दास जी, क्या ऐसे लोग जो उनकी भूमिकाओं को भूल गए हैं वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इस तरह की हिमाकत कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई बहुत तेज दिमाग काम कर रहा है, क्या लगता है? देखिए, इसमें तो कहना है साफ मुझे कि जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से इस प्रकार की जो घटना है वो उसके मात्रा में बेतहाशा वृद्धि हुई है और मनोवादी जो है कि भाजपा राज को अपने लिए अनुकूल समझती है और जहाँ तक जो है कि झारखंड की बात है तो जाहिर है कि झारखंड भी इस व्यवस्था से अछूता नहीं है। धनबाद की जहाँ घटना घटी मैं बता दूं, इसके पहले भी दो बार घटना घट चुकी है जी और आज भी जिस तरह की घटना घटी यह काफी ही निंदनीय है। मैं पिछले घटना के बाद वहां पहुंचा और देखा कि स्वाभाविक रूप से लोगों में आक्रोश था जी। और हमने भी वहां पर रोड जाम करने का काम किया। रोड जाम करने के बाद में उपायुक्त साहब से वार्ता हुई थी वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक वहां पर सीसीटीवी कैमरा तक नहीं लगा, वहां पर जो है बत्ती की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। काश अगर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया होता जी, सुरक्षा प्रहरी का व्यवस्था सुबल जी होता, तो इसको थोड़ा और अगर सुधार के बोलने की कोशिश करें तो क्या कह सकते हैं, काश अगर लोगों ने बाबा साहब को जान होता, उनके बारे में लोगों ने जानकारी हासिल की होती,
हमारी सरकार ने, हमारी शिक्षा व्यवस्था ने बेहतर तरीके से जानकारी दी होती, उस पर सियासत नहीं करते तो लोग उनकी इज्जत करते हैं, इस तरह से उनके साथ खिलवाड़ नहीं करते। निश्चित, देखिए केवल बाबा साहब देशरत्न ही नहीं थे बल्कि वे भारतीय संविधान के रचयिता थे, बोधिसत्व थे, विश्व रत्न थे और मानवता के मसीहा थे। सर वे जो है पूरे देश में एक ऐसा व्यवस्था बनाने चाहे हैं जी, जो जाति विहीन हो, वर्ण विहीन हो, लिंग विहीन हो और इस तरह का जो एक व्यवस्था जो वो चाहे हैं, और एक जो पुरानी व्यवस्था जो चली आ रही है जिसको खत्म करने के लिए बाबा साहब ने संविधान लिखे, संविधान में बहुत तरह के अधिकार दिए। बिल्कुल, बहुत तरह के अधिकार की बात की, लेकिन सुबल दास जी ये घटना कैसे रोकी जाए? देने चाहता है क्या ये साजिश है? की जो सरकार है, ये भाजपा की जो सरकार है, ये आरएसएस के इशारे पर जो है संविधान में संशोधन करने की बात करते हैं, काम करते हैं और जो है आरक्षण पर हमला भी करते हैं। और जाहिर बात क्या है, इस वजह से, क्या इस वजह से नाराजगी देखने को मिल रही है? पूरा पूरा आप देखिएगा, यही वजह है कि आज पूरे देश में जो है कि दलितों पर, आदिवासियों पर, शोषितों पर हमला बढ़ा है। सुबल जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो चाह रही है अपने एजेंडे को लागू करने के लिए, एक ओर तो उस वर्ग को परेशान कर रही है और दूसरी ओर उस वर्ग के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उन लोगों के यादों के साथ, उन लोगों के प्रतिमाओं के साथ भी खिलवाड़ कर रही है? जी जी जी, आज जो है कि हम लोग, नीरज जी क्या कहेंगे? रोड मार्च निकाला आज, मैं वहां से नीरज जी के विरोध में विरोध मार्च निकाला। नीरज जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? प्रधानमंत्री अम्बेडकर को सम्मान दिलाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न जो है, ये कांग्रेस के इतने लंबे शासन काल के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर का तैल चित्र जो है संसद भवन में लगाने का काम, लेकिन आरोप तो बीजेपी पर लग रहा है। कुछ भी हो तो बीजेपी, कुछ भी हो तो बीजेपी के हित के लिए ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ और सबका विकास, ये सभी लेकिन को लेकर के चलने में विश्वास रखती है ना। लेकिन लोगों को आपके विश्वास पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? भारतीय जनता पार्टी जो है दलितों के लिए जो भी योजनाएं जो है ना, वो पहले से प्लानिंग करके रखी हुई है कि जमीनी स्तर पे अगर अगर अकाउंट जीरो बैलेंस में खुलवाना है तो किन लोगों का खुलेगा? नीरज जी, नीरज जी आप किस पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं? कौन इस तरह के काम को कर सकता है? मैं उन लोगों पर संदेह व्यक्त कर रहा हूँ जिन लोगों की ये भारतीय जनता पार्टी का दलित के तरफ जो आकर्षण और भारतीय जनता पार्टी का दलित के तरफ जो उद्गार अभी यूपी चुनाव से लेकर के ये स्थिति नजर आई कि जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलित का वोट जो है ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़ता चला आ रहा है, तो दूसरे दलों के लोगों को परेशानियां हो रही है, प्रयास उन्हीं के तरफ अगर इशारा करें। राकेश जी, जब सार्वजनिक मंचों पर बात करने का मौका आता है तो सब लोग वाह वाह करते हैं, सराहना करते हैं, शीश झुकाते हैं, लेकिन कौन इस तरह की घटनाओं के पीछे हो सकता है? क्या वाकई सियासी साजिश हो सकती है या फिर कुछ लोग जान रहे हैं कि सियासी दल आपस में मत फड़ोवल करेंगे अगर इस तरह का कुछ होता है तो सियासी दलों का चरित्र सामने आ जाए, इस वजह से यह हिमाकत की गई होगी? राकेश जी, विकृत मानसिकता के लोग भी ये काम करते हैं, लेकिन अगर आप वर्तमान सीनियर में देखोगे दीपक जी तो आपको लगेगा, अभी मेरे भाई उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, आपको शायद मेरे भाई को ये पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ क्या स्थिति हो रही है जी। लोग जंतर मंतर तक अपना आंदोलन करने को बाध्य हो रहे हैं, लोग नन धरन प्रदर्शन करने को बाध्य हो रहे हैं, किसान गोली खा करके मर रहा है। तो देखिए एक बात है कि ये इसके पीछे मुझे लगता है कि जो भावनात्मक
एक भावना को उद्वेलित कर, जैसा मैंने पहले भी कहा दीपक जी, कि एक भावना को उद्वेलित करके सत्ता पक्ष जो है राजनीति करने का प्रयास कर रही है। क्या केवल सत्ता पक्ष राजनीति करती है, विपक्ष शांति से बैठकर दर्शक की भूमिका में रहती है? हेलो जी राकेश जी, क्या केवल सत्ता पक्ष राजनीति करती है और विपक्ष दर्शक की भूमिका में रहती है जब तक वो विपक्ष में होती है? सर ये बात तो आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना होगा कि वो जब विपक्ष में रहती है तो वो क्या करती है और जब सत्ता पक्ष में आती है तो वो क्या करती है। जब विपक्ष में रहती है तो एफडीआई और आधार कार्ड का विरोध करती है और जब सत्ता पक्ष में आती है तो 27% एफडीआई लागू कर देती है। तो ये नीति कथनी और कर्मी, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आपको पूछना है ना कि सत्ता में आप जब रहते हो तो आपकी नीति क्या होती है और जब विपक्ष में रहते हो तो आपकी नीति क्या होती है। राकेश जी, कांग्रेस की नीति, नेता और नियति तीनों साथ है दीपक जी। नीरज जी क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर? भाई भारतीय जनता पार्टी कथनी और करणी में जो है असमानता नहीं, जो है भारतीय जनता पार्टी करती है जो दिखता है ना जी। वो समाज के विभिन्न वर्गों तक भारतीय जनता पार्टी को, हमने तो ये कहा ना कि बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न जो है, भारत रत्न का सम्मान किसने दिलाया, ये मैं पूछना चाहूंगा उन लोगों से जिन लोगों की इतनी लंबी समय जो है दशकों की सरकार रही। नीरज जी है ना, बहुत बहुत अच्छा काम किया आपने, वाहवाही बटोर ली, लेकिन उस भारत रत्न की चमक धूमिल की जा रही है और उसे आप बचा नहीं पा रहे हैं। ये चमक धूमिल करने वालों को का भारतीय जनता पार्टी कभी भी पक्षधर नहीं है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा जी ने भी जो है ये कहा कि जो दोषी है उनको जो है सजा मिलनी चाहिए और मैं उसकी वकालत नहीं करता। मैं ये मान करता हूँ कि जो है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहेगा। धनबाद में 4 बार ये घटनाक्रम घटा है जी। तो वहाँ का प्रशासन उस पर ध्यान दे और ध्यान दे करके जो है उसको जो है उस पर अब इसकी जिम्मेदारी जो है प्रशासन की है कि प्रशासन उस पर जो है राजनीति टोटी फेंकने वालों को राजनीति करने ना दे जी। सुबल दास जी, क्या प्रशासनिक चूक कहेंगे इसे? तो है नहीं बाबा साहब अंबेडकर हमारे जो है अब कहीं देखिए, इसमें हमको कहना है कि बाबा साहब केवल दलित के नेता नहीं थे, वो जो है राष्ट्र के नेता थे और जो है कि इसीलिए और उन्होंने जो संविधान में जो संविधान को लिखने का जो काम किए वो केवल एक जाति या कोई वर्ग विशेष के लिए उन्होंने नहीं लिखे, वो समग्र देश के लिए, समग्र जनता के हित में के लिए जो है कि संविधान को लिखने का काम किया। आज कुछ लोग केवल उसको दलित नेता के रूप में जो बताने की जो काम कर रहे हैं, उनका कद को एक्चुअल छोटा करने का ये उनका एक साजिश है। हम कहना चाह रहे हैं कि देखिए, भाजपा और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू है। हम कांग्रेस को भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन भाजपा को हम इसलिए ज्यादा कहेंगे कि भाजपा जब से सत्ता में आई है इस तरह की घटना काफी बढ़ी है। आज जो है गुजरात का जो ऊना कांड हुआ, आज जो यूपी के जो सहारनपुर में जो घटनाएं घटी, इस तरह के दर्जनों जो है कि आपका कांड उदाहरण है, इससे इसके जिम्मेवारी से भाजपा बच नहीं सकती है। ये तो बड़ी बड़ी बातें क्या करती है दलितों के लिए, लेकिन जो है हम कह रहे हैं दलितों के घर में केवल खाना खा लेने से ही जो है वो दलितों के हितैषी नहीं हो जाते। उनके जो एजेंडा है, उनका जो कार्यक्रम है, कहीं पर भी दलित के हित में, शोषित के हित में, गरीब के हित में जो है दिखाई नहीं देता। वो केवल जो है कि औद्योगिक घराने, कारपोरेट घराने के हित में काम करने के लिए जो है फंसे रहते हैं जी। तो इसका जवाब जो है इन्हें तुम्हें देना पड़ेगा। चलिए, जवाब कौन देगा और सवाल कौन पूछेगा, ये तो सभी को खुद से तय करना होगा कि सवाल किस तरह का हो और जो जवाब दे रहे हैं वो जवाब किस हिसाब से दिया जा रहा है। लेकिन बात निकलती है तो दूर तक चली जाती है और इतनी दूर की मुद्दे पर चर्चा गौन हो जाती है और जो तमाम आरोप प्रत्यारोप है उस पर चर्चा तेज हो जाती है।
फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश सिन्हा जी, नीरज पासवान जी, सुबल दास जी, सुजीत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम रिपोर्ट और जानकारियों के लिए। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ एक बार फिर खिलवाड़ किया गया है। खिलवाड़ न केवल प्रतिमा के साथ बल्कि समाज के उस विशेष तबके की भावनाओं के साथ करने की कोशिश की गई है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपना अग्रणी मानकर उनके आदर्शों पर चलने की बात करती है। और ऐसे में वहाँ सियासी झंडे भी मिलना ये साफ तौर पर इशारा करता है कि ये एक साजिश है सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने की। और ऐसे में प्रशासन को और सजग होना चाहिए क्योंकि झारखंड में इन दिनों इस तरह की घटनाएं काफ़ी तेजी से बढ़ी हैं। सरकार को भी इस पर विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप Twitter पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप न्यूज इंडिया .nimsunai पर हमें लाइक कर सकते हैं।